नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564505096906089745283845 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है वो 686 में देखेंगे। वो प्रश्न ये कह रहा है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पर, जो हमारे मेन एक जो आयोग को संभालते हैं, चुनाव आयोग को, उनको अगर हमें हटाना हो तो वो कौन हटा सकते हैं, कैसे हटाया जा सकता है उनको। तो उनको हटाने के लिए सीधा सीधा सा हमारा प्रोविजन होता है। उनको हटाने के लिए भारत में सबसे पहले तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमें पार्लियामेंट में जाना होगा। पार्लियामेंट में जाने के बाद वहां पे 2/3 बहुमत चाहिए होगी, और 2/3 बहुमत अगर मिल जाती है पार्लियामेंट में, फिर वहां पे प्रेसिडेंट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो ठीक लिखी हुई है पर इसमें अधूरी है। अधूरी किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है कि 2/3 बहुमत रहेगी दोनों हाउसेस की, पर ये तो नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट की परमिशन भी चाहिए। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। तो ये अपने आप में ज्यादा एक बेटर तरीका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका आंसर हो जाएगा वो हम बी एक ज्यादा बेटर आंसर मान सकते हैं, ठीक है। वैसे लिखा ए भी ठीक हुआ है, बाकी तो गलत लिखे हुए हैं। अगला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या फिर इलेक्शन कमिश्नर है कोई, जैसे दो हैं, तो उनको हटाने का क्या प्रोसेस रहता है, उनको हम कैसे हटा सकते हैं। उनको हम प्रेसिडेंट के कहने पर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उनकी एडवाइस मिलने पर, प्रेसिडेंट के साथ भी उनको हटाया जा सकता है। अगला, इनमें से कौन सा काम हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होता है। तो कौन सा काम नहीं होता, देखो, वोटर की लिस्ट बनाना, मतदाता की सूची तैयार करना, ये तो बहुत जरूरी काम है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संकलन करना, ये भी इनका, ये तो सबसे जरूरी काम है। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनके पदों के लिए चुनाव लड़ने का भी इनका काम होता है। डी इसका आंसर होगा। विधानमंडलों के लिए यहाँ पर उचित प्रावधान करना, अप्रोप्रिएट प्रोविजंस का ये काम नहीं करते। जितना पैसा होगा, फंडिंग वगैरह का काम इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग की, यहाँ पर इन तीनों जिम्मेदारियां होती है, इनको भी याद रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन कंडक्ट करवाता है, हमारा निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों। अगला, इनमें से क्या इलेक्शन कमीशन से निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ बात नहीं है। तो इसमें से आप पढ़ें अगर तो, चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है, या आगे है इलेक्शन सिंबल देना, बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव का चिन्ह कौन सा होना चाहिए, चुनाव की वैधता क्या होनी चाहिए, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए, ये सब ये करते हैं, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी ये नहीं करते। बाकी तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ये सब काम निर्वाचन आयोग के भारत में रखे गए। अगला है यहाँ पर, इनमें से अगर कभी भी किसी सांसद को, किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, अयोग्यता साबित करनी है उनकी, तो कौन यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट करेंगे। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कोई कभी भी 10वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर किया जाता है, तो 10वीं अनुसूची में यहाँ पर स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो सभापति होते हैं, अगर राज्यसभा का कोई है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए किसी और मामले में एमपी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करना है, तो किसी और मामले में एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो है वो कौन आएंगे, किसी और मामले में एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट का यहाँ पर और इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके ये काम किया जाता है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है दोनों बातों में, इसको आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर आ रहा है कि कभी भी ऐसा सवाल आ जाता है कि एमपी को, किसी भी सांसद को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करना है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन ले सकते हैं, किससे यहाँ पर मदद ले सकते हैं, तो वो है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ही तो यहाँ पर संसद के जो
सारी चीजें हैं वो करी हैं, है ना। इलेक्शन तो उन्होंने करवाए हैं, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो होगा ना उनकी मदद से यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो है वो क्या, प्रेसिडेंट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करने की पावर को रखते हैं। अगला, यहाँ पर इनमें से किन को, ये जो हमारे भारत में राइट टू वोट के बारे में लिखा हुआ है, तो राइट टू वोट हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, नेचुरल राइट में नहीं लिखा, स्टैचुटरी में नहीं लिखा, आप कह सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार है हमारा। संविधान हमें ये कहता है कि हर एक को यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को यहाँ पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगला, इंडिया में जो राइट टू फ्रेंचाइजी एंड इलेक्टेड है, मताधिकार और निर्वाचित होने का जो हमारा अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है? ये हमारा, आप कह सकते हो कि निर्वाचन है वो हमारा लीगल अधिकार है, क्योंकि इसके लिए अंतर्गत एक अधिनियम भी चलता है, उसी के तहत यहाँ पर ये पूरा अधिकार दिया गया है। अगला बढ़ते हैं, 18 की उम्र तक नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पर पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो ये जो है पहली बार 1989 में किया गया था। 1989 में ही जो 21 वर्ष है उसको हटा करके 18 वर्ष तक कर दिया गया था, और इसी के तहत यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में दो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि काम का बर्डन बढ़ गया ना 1989 में, 61st Amendment Act 1989। अगला, मिनिमम एज जो सेट की गई थी वो कौन से एक्ट के तहत की गई थी? अभी जस्ट ही बताया मैंने आप लोगों को, 61 संशोधन अधिनियम 1989 के तहत 21 से 18 वर्ष यहाँ पर उम्र कर दी गई थी। अगला प्रश्न, वही सेम प्रकार से सेम पूछ रहे हैं यहाँ पर, 63वां, 62वां, 61वां, 60वां, तो कौन से के तहत किया गया? 61वां, 61st Amendment Act 1989 के तहत ये काम किया गया है। अगला, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा के प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करने के लिए वयस्क मताधिकार, अडल्ट सफरेज जो है उसका अधिकार है, मतलब हमें वोट देने का अधिकार है, आर्टिकल 326 कहता है। और ये आर्टिकल 326 जो है ये हमारे जो 324 से लेकर के 329 आता है, जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में है, उसी में ही 326 भी आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, संसद और राज्य की विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, मतलब कि जो भी हमारी पार्लियामेंट और स्टेट होगी उनके सारे के सारे काम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? वो हमारी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दी गई है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। दोनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, लेकिन आपस में मेल नहीं खाती है, ठीक है। बात दोनों में अपने आप में सही लिखी हुई है, ऐसे बहुत बार आप देख रहे हैं कि कथन और रीजन वाले स्टेटमेंट काफी बार पूछे गए हैं, पढ़ लेना इनको, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में तो ठीक है लेकिन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। अगला प्रश्न है, कब यहाँ पर 3 मेंबर कमीशन बताया? ये मैंने आपको कई बार बता दिया आज की क्लास में, 1989 में 61वें संशोधन अधिनियम के तहत जब उम्र को कम किया गया था, वोटिंग एज को 21 साल से हटा करके कम करके 18 वर्ष तक कर दिया गया था, तभी ये काम भी किया गया था, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार कभी ना कभी सवाल किए गए। वोटर्स डे हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी 1950 को पहली बार किया गया था। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन जो है हमारी, निर्वाचन आयोग जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था, इसीलिए 25 जनवरी को अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। और पहले जो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के जो चीफ बने थे उनका नाम है सुकुमार सेन, इनका नाम आप लोगों को लर्न करना है, क्योंकि ये नाम पर भी आपसे जो है वो सवाल सीधा सीधा पूछ सकता है क्या है किस तरीके से है। इस बार का जो नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी मैं बता देती हूँ, करंट अफेयर में आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस आने वाला है तो उसमें पूछा जा सकता है, उसकी थीम जो है इस बार की वो क्या थी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यही याद रखनी है, लिख लीजिए इसको, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये थीम जो है इस बार की रखी गई थी, और दिल्ली में ही यहाँ पर पूरा आयोग जो पूरा जो किया गया था वो सब था। द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आई थी, और पूरा जब ये बनाया गया था तो उसके अंदर अशोक चक्र का भी काफी महत्व बताया गया था। 25 जनवरी को मनाया गया था, इसकी थीम हमसे पूछी जा सकती है कहाँ पर हुआ ये पूछा जा सकता है। इसी समय एक सॉन्ग भी आया था, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, ये भी पूरा यहाँ पर बनाया गया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, जिसे हम प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सीधा मीनिंग है हर एक की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, हर एक की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होनी चाहिए। और ये प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब भी इलेक्शन होते हैं उस समय इसको इस्तेमाल करते हैं।
अगला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर। राज्य के जो निर्वाचन आयोग है वो एक संविधानिक प्राधिकरण है, ये संविधानिक प्राधिकरण है बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि संविधानिक प्राधिकरण है। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रामीण स्थानीय निकाय है के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ये तो अपने आप में बिल्कुल बात ठीक लिखी हुई है, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, दोनों अपने आप में ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं खा रहा है, लेकिन दोनों लिखी ठीक हुई है ना, दोनों अपने आप में लिखी ठीक हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपस में मेल नहीं खा रही, ठीक है। इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर भारत में एक जो है वो कहना है कि भाई वो एक राष्ट्रीय दल है, तो वो कैसे यहाँ पर मतलब किसको कह सकते हैं कि वो एक राष्ट्रीय दल में हो गया है, तो कम से कम वो चार राज्यों में एक राज्य स्तर की जो है एक दल होता है वो उसके रूप में अगर स्थापित हो चुका है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक भारत की क्या पार्टी है, नेशनल पार्टी के रूप में वो स्थापित हो चुकी है। अब भारत की यहाँ पर नेशनल पार्टी जो है वो कितनी है, ये हमारे अभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब भारत की नेशनल पार्टी कितनी है। देखिए, एक तो है बीजेपी, एक तो है कांग्रेस, एक है सीपीआई मार्क्सिस्ट, एक है आम आदमी पार्टी आप, एक है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एक है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। इस समय ये आपको याद रखना है। और जो तीन ऑलरेडी थी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड सीपीआई, इन तीनों पार्टी से यहां पर नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इस बार ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नेशनल पार्टी है और कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है, इस प्रकार का सवाल हाई चांस है कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमें ये बताना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी फाइनल है, ये पॉलिटिकल पार्टी, तो आप वो कैसे बता सकते हैं। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को करीब करीब 6% वोट मिले हैं राज्यसभा या लोकसभा के इलेक्शन में, तो आप उसको कह सकते हो कि वो एक रीजनल पार्टी है, रीजन रीजन के अंदर, ठीक है। अगला, राज्य के विधानमंडल के चुनाव के लिए आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर राज्य के विधानमंडल के चुनाव में आपको आना है, तो आपको वयस्क मताधिकार होना चाहिए, आप बिल्कुल 18+ होने चाहिए, और आपका क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचक सूची के बारे में होना चाहिए। और कभी भी आप ऐसी तरीके की लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पर धर्म, प्रजाति, लिंग का कोई भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक को वोट देने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई इस धर्म का तो वोट नहीं देगा या इस धर्म का है तो वो वोट देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। और राजनीतिक दलों को अपना यहाँ पर खुद के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है कि वो खुद भी अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन तैयार करें, उसको हम कहते हैं विप। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपनी चीजों को सेट करना चाहता है, उसे हम विप के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में सही लिखी हुई है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही लिखी है, आप इन तीनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत में रीजनल पार्टी में से कौन सी है, तो देखो आप लोगों ने सारी रीजनल पार्टीज आपको मैं नाम बता दिए सारे, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, ये तो हमारी राष्ट्रीय दल है। तो अकाली दल जो है वो पंजाब में है, अब तो पंजाब में भी नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी वहां पर पूरा बोलबाला है। तो जो रीजनल पार्टी अगर पूछेगा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, तो अकाली दल आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पार्टीज के ऊपर है, सीपीआई, सीपीएम, एआईडीएमके, तेलुगु देशम, ये कब का फॉर्मेशन हुआ था उसके ऊपर पूछा गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कब कब इनका फॉर्मेशन हुआ था, तो सीपीआई का 1920 में हुआ था, इसको आप लिख लीजिए। सीपीएम जो है यहाँ पर वो 1964 में हुई थी, एआईडीएमके जो साउथ में है यहाँ पर, इनका फॉर्मेशन 1972 में हुआ था, और तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इनका बोलबाला है, ये 1982 में हुई थी। इसको मैच करेंगे, आपका आंसर ए बन जाएगा, इसको आप मैच कर लीजिए। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे सवाल करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी सारी सारी पे पूछते हैं, पर कई बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंडिया का कोई स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, इंडिया की कोई स्थायी दलीय व्यवस्था है, तो सही लिखा हुआ है, कोई ऐसे तो है नहीं, परमानेंट पार्टी सिस्टम तो है नहीं, ना कि एक है, बहुत सारी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो स्थायी भी नहीं है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट दोनों अपने आप में सही लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 20 का आंसर हो जाएगा, दोनों अपने आप सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। परमानेंट नहीं है, और मल्टी पार्टी है भारत के अंदर, एक पार्टी भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी भारत में सही, मतलब सही स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे इसमें। अगला, पॉलिटिकल चुनाव की घोषणा जैसे ही होगी, वहां पे राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये संसद लेकर के आई थी, गलत बात है। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसको, आचार संहिता, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी करके बोला जाता है। तो बिल्कुल एमसीसी जो यहाँ पर लेकर के आया जाता है, वो यहाँ पर हमारी संसद जो है वो लेकर के आती है। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, वो यहाँ पर
इलेक्शन कमीशन लेके आती है, ये पार्लियामेंट के दायरे में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग यहाँ पर आर्टिकल 324 को रखते हुए हर चीज के बारे में बताती है। ये बताती है भाई कि आपको हेट स्पीच नहीं देनी है, आपको एक कास्ट का वोट नहीं मांगना है, आपको वोट को ब्राइब नहीं करना है, घूसखोरी नहीं करनी है, आपको शराब नहीं बांटनी है, और 48 घंटे से पहले जब पोलिंग होनी है 48 घंटे से पहले आप कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो उसको RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उसको जेल में डाल दिया जा सकता है या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे MCC कहते हैं। तो ये MCC पार्लियामेंट नहीं लेके आई है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेके आई है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी है, सेकंड गलत लिखी हुई है, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ था? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल निरोधक अधिनियम जो है, वो 85 जो है सिर्फ 52nd नंबर का अधिनियम था। 1985 में इसको पास किया गया था। तो ये जो पास किया था, ये 15 फरवरी 1985 को राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून को पास किया था। असल में दल बदल कानून जो है पहले शुरुआत हुआ था 1966 में, जब हरियाणा बनी थी, पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा बनी तो वहां पर MLA के इलेक्शन हुए। उस समय गयाराम जो जो पर्सन थे, उन्होंने यहाँ पर एक दिन में 3 पार्टी चेंज करने का रिकॉर्ड बनाया था। So, उस प्रकार यहाँ पर ये जो है, ये दल बदल आयाराम गयाराम करके नाम फेमस हो गया, और इसको पास करने में 1985 में फाइनली करीब करीब 18-19 साल लग करके इस बिल को पास करवाया गया, और अब जो है ये 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। अगला, कामराज योजना। कामराज योजना जो यहाँ पर आई थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भारतीय कांग्रेस जो है, नेशनल कांग्रेस जो है, उसको वापस से जीवंत बनाना है। तो यहाँ पर ये जो कामराज योजना थी वो इसलिए बनाई गई थी, जिसमें कामराज जो है उन्होंने सिंडिकेट सिस्टम शुरू किया था, जिसमें 6 कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और 6 मुख्यमंत्री ने सत्ता छोड़ करके पार्टी के लिए कामराज 1963 में यहाँ पर उसके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, क्या हो रहा था कि कामराज ने जो है 60 के दशक में ये देखना शुरू किया था कि भाई कांग्रेस में उनकी पकड़ जो है ना वो कमजोर होती जा रही है। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि पार्टी के जितने भी बड़े नेता है ना, वो सरकार से अपने पदों को इस्तीफा दे दें और अपनी ऊर्जा कांग्रेस में नई जान की फूकने में लगाए। उनकी इस योजना के तहत उन्होंने खुद भी इस्तीफा दिया। लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, SK पाटिल जैसे सभी नेताओं ने सरकारी पद को त्याग दिया था, और यही योजना फिर कामराज योजना के नाम से विख्यात भी होने लग गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कामराज प्लान जो है, उनकी बदौलत ही केंद्र की राजनीति इतनी मजबूत हो गई थी कि नेहरू के निधन के बाद शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की भूमिका में काफी अच्छा नया चेंज लेकर के आए थे। तो कामराज जो है यहाँ पर, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, इन सबको आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, आधे दर्जन केंद्रीय मंत्री और करीब इतने ही मुख्यमंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो कामराज है, इनकी छवि 1962 में जब चीनी का युद्ध हुआ था उसमें भी काफी धूमिल हो गई थी, और उसके बाद दक्षिण भारत में इन्होंने काफी ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, तो उस समय इनको इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। आजादी मिलने के बाद 13 अप्रैल 1964 को या फिर 1994 को जो है, उन्होंने कामराज ने अनिच्छा में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया था, लेकिन वहां पर इन्होंने जो है वो क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए करा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने वहां पर साक्षरता दर जो है, कभी जो 7% हुआ करती थी उसको बढ़ा करके 37% भी उन्होंने किया था। इसी को हम कामराज योजना के नाम से जानते हैं। ये कामराज योजना 1963 में की गई थी। इसको भी कई बार यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ये मद्रास के मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ मंत्रियों को सरकार छोड़ने और पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ पर इन्होंने काम अपना कहा था। याद रखिएगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और बाद में आगे चल के कामराज को 1976 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, उनको उससे भी नवाजा गया था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है, भारत के अंदर संविधान जो है हमारा वो पूर्णतः लिखित है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। तो आप इसको पढ़ेंगे कि हाँ, ठीक बात लिखी हुई है, लेकिन आपस में मेल क्या खा रहे हैं? मतलब कि बात हम कर रहे हैं संविधान की और ये बात तो बिल्कुल अलग अलग हो गई। तो बी आंसर कह सकते हैं ना इसका, कि दोनों आप बातें आपस में मेल नहीं खा रही है। लिखी तो चलो ठीक हुई है, पर आपस में मेल नहीं खा रही है दोनों बातें। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बिल जो है हमारे संविधान में दोनों अलग अलग यहाँ पे पास करेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधक बिल, आर्टिकल 368 में लिखा हुआ। साधारण विधेयक आर्टिकल 107 में है, धन विधेयक 110 में है, वित्त विधेयक 117 में है। धन विधेयक को पास करने के लिए आपको सामान्य बहुमत चाहिए होती है, धन विधेयक के लिए भी सामान्य, वित्त विधेयक के लिए भी। केवल और केवल संविधान संशोधन अधिनियम होता है जिसको पास करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग यहाँ पर बहुमत से पारित होना बहुत ही आवश्यक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
और इसके लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत होती है, आप सामान्य बहुमत से नहीं कर सकते, विशेष बहुमत 2/3 2/3 वाली मेजोरिटी का यहाँ पर प्रावधान होता है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है, वो है हमारा आर्टिकल 368। ये आप जानते हैं आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, जबकि बाकी तीनों आर्टिकल हमारे आपातकाल से जुड़े हुए हैं, आपातकालीन का जो समय है उस समय के जुड़े हुए आर्टिकल 360 विथ इमरजेंसी के लिए, 356 स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन के लिए, और ये नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कभी भी इस प्रकार की स्थिति आती है कि लोकसभा ने किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने पास कर दिया, लेकिन उच्च सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया, राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया है, तो क्या वो बिल पास माना जाएगा? नहीं, वो बिल वहां पे एक्सपायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन का जो अधिनियम होता है वो दोनों हाउसेस के द्वारा पास होना जरूरी होता है। ये केस तब होता जब मनी बिल होता, क्योंकि मनी बिल के केस में लोकसभा की मर्जी चलती, राज्यसभा की कोई यहाँ पे जवाबदेही नहीं होती, मर्जी नहीं होती, और वो रख भी सिर्फ अपने पास कब तक सकती है? सिर्फ और सिर्फ जो राज्यसभा है अपने पास केवल 14 दिन के लिए रख सकती है, तो उस समय होता। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान बिल्कुल नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान केवल और केवल यहाँ पर किसमें होता है, जो हमारा ऑर्डिनरी सामान्य बिल होता है उसके तहत होता है। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी, इनका सवाल बन सकता है। अगला, हमारा जो पहला संशोधन है जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, वो इनमें से किससे संबंधित है? वो जो है यहाँ पर 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, और ये जवाहरलाल नेहरू के समय आया था, जिसमें कुछ राज्यों के लिए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण की बात की गई थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे जुड़ा हुआ था, बाकी इनसे जुड़ा हुआ कभी भी कोई ऐसा एक्ट नहीं आया जो कि 1951 में लिखा गया। ये पहला संशोधन अधिनियम था। अगला प्रश्न आपको मैच करना है इसके अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? 44 नंबर के संविधान में। मताधिकार की जो है यहाँ पर वो 61st में रिड्यूस की गई है। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। उसके बाद न्यायिक शक्ति का पुनरक्षण करना, ये 38 नंबर के अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। ठीक है, ये आगे आएंगे इसके ऑप्शन मैच करने के लिए, वो मैं बता दूंगी, पर आप पहले यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए किस तरीके से जो है इसमें ऐड किए गए। ठीक है, तो हम इसको आप मैच कर लो, आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला है यहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां शब्द को जो है वो कब जोड़ा गया है? सहकारी समिति शब्द को 97 संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। और जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे भारत में बनी हुई है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये सहकारी समिति जो है वो अब भारत में पूरी तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहाँ जोड़ा गया? देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया, जिसमें इसको हमारा क्या बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट के रूप में स्थापित कर दिया गया, मौलिक अधिकार। फिर हमारे डीपीएसपी में जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 43B में जोड़ा गया, और हमारे पार्ट 9 का, संविधान का पार्ट 9 का B पार्ट, क्योंकि पार्ट 9 जो है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पार्ट 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है, तो पार्ट 9B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्टिकल जो है वो 243ZH से लेकर के 243ZT तक सारा कुछ किसके बारे में लिखा हुआ है? सहकारी समितियों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये तीन चेंजेस आए थे जब ये 97 अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया था, तब ये तीन चेंजेस को जो है वो हमने देखा है। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न भी याद रखना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कब यहाँ पर दिल्ली को एनसीआर, दिल्ली में यहाँ पर एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये 69th नंबर का अमेंडमेंट 1991 में हुआ था, तब ये चीज जो है वो ऐड की गई थी। तो ये भी एक आपसे पूछा जा सकता है, दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली का दर्जा कब मिला है? दिल्ली को एनसीटी के नाम से ही अब जाना जाता है, तो वो ये काम कब किया गया है? ठीक है ना, 69th, 61st नहीं है, 61st मैंने आपको बताया हुआ, उम्र कम की गई थी, 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 71st में हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, तीन लैंग्वेजेस, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इनको ऐड किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल को अगर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर काम करना है, तो यहाँ पर कौन सा संविधान था जिसमें इनके ऊपर रोक लगाई गई थी? दल बदल कानून 52nd नंबर का था, 1985 राजीव गांधी के समय में 10वीं अनुसूची के तहत इसको बैन कर दिया गया था, हटा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से संविधान में कौन सी यहाँ पर लिखा गया कि भाई जो हमारा जो भी हमारे जितनी भी चीजें होंगी, अमेंडमेंट्स जो होंगे वो अब हिंदी टेक्स्ट में भी उतने ही मान्यता प्राप्त होंगे, हिंदी में जो लिखे गए वो भी उसी मान्यता से रहेंगे, वो 58th नंबर का अमेंडमेंट 1987 में आया था राजीव गांधी के समय, तो ये उसमें किया गया था।
ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है 79 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है। 79 नंबर का यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से जुड़ा हुआ है, डी वाला। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन का कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट से काफी सारे यहाँ पर संशोधन है, लेकिन 79 वाला जो स्पेसिफिक पूछ रहा है उसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, केशवानंद भारती केस हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों के क्योंकि केशवानंद भारती केस में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया है। 24 अप्रैल 1973 को जो है ये इस केस का रिजल्ट आया था, और अभी चल रहा है 2023, तो 2023 में इस पूरे को 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, और साथ ही साथ केशवानंद भारती जो है जो केरल से बिलोंग करते थे, इनका यहाँ पर मृत्यु भी हुआ है कुछ टाइम पहले कोविड के समय में, इसलिए इनसे सवाल बनना जरूरी है, लाजमी है, इस पे सवाल बन सकता है। आप सभी को ये पूरा का पूरा ऐसे याद रखना है, केशवानंद भारती केस को पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को कब स्पष्ट किया था, केशवानंद भारती केस 1973 में किया था, आप लोगों को ये कई बार बता रखा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत में अगर कभी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधन करना है तो वो कौन कर सकता है, केवल हमारी पार्लियामेंट हमारी संसद कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल संरचना है, मूल संरचना को हार्म किए बिना नुकसान पहुंचाए बिना हमारे जो मौलिक अधिकारों हैं उनका संशोधन यहाँ पे किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, ये काम आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अगर ये आपको पढ़ना है यहाँ पर, इनमें से सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, एल्कोहल की प्रोहिबिशन, हाँ जी बिल्कुल है सही लिखा हुआ है, एल्कोहल की प्रोहिबिशन है, फैक्ट्री और खानों में बाल और कारखानों में बाल श्रम, ये तो हमारा आर्टिकल नंबर 24 में है जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, अस्पृश्यता ये भी हमारा आर्टिकल 17 में लिखा है, बेगार बालित श्रम को ये आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स है ये हमारे मूल अधिकारों के पार्ट है, जबकि एल्कोहल के ऊपर जो है वो सही लिखा हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बाकी सब तो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पूछ रहा है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में लिखे हुए हैं, यूएस आयरलैंड से हमने इसको बोरो किया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस में यहाँ पर किस विवाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान शक्तियों को सीमित करने की बात कही थी, तो वो है वो केशवानंद नहीं है, उससे पहले जो आया था गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, वहां से केस निकल के आया था जो कि पंजाब सरकार के खिलाफ केस आया था, तो इसी केस में ये बात जो है वो कही गई थी। अगला प्रश्न, किस अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये बोल दिया गया था कि कोई कानून जो राज्य के उन दिशा नीति निर्देशक तत्वों को जो कि 39B और सी में लिखे, अगर उनको कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम उसको जो है वो हमारे अनुच्छेद 14-19 में भी उनको सीमित करने की कोशिश करता है, वो है 25वां संशोधन जो आया था उसमें ये बात लिखी गई थी। किस अमेंडमेंट एक्ट में हमारी जो है ये बता दी गई थी कि जो हमारे 543 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें जो हमारे इसी में से कुछ लोगों को जो है मिला करके हम अपना राज्य मंत्री मतलब बनाते हैं ना, मंत्रिमंडल बनाते हैं, तो ये बात जो है वो केवल और केवल यहाँ पर 15% के बीच में ही रहेगी, जो पूरी होते हैं वो 12 से 15% के बीच में ही रहती है, और ये बात जो है वो कब सीमित कर दी गई थी कि 12 से 15% के बीच में ही सीमित रहने वाली है, तो वो जो है यहाँ पर 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे सीमित करवा दिया गया था कि यहाँ पर इतना ही जो है वो रहेगा। ठीक है, 12 से कम नहीं हो सकते, 15% से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, जो लोकसभा की है 543 सीट्स है उसका 12 से 15% के बीच में ही यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा उसमें लोग रह सकते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पर जो है वो ही सीमित कर दिया गया था, मैंने आपको बताया ये 91st अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर उसके तहत 2003 में सीमित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को यहाँ पर 15% कर दिया, 91st, वही सेम प्रश्न बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। आर्टिकल 21A 86 संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐड किया गया है। आर्टिकल 21A, देखो जो इस 86 नंबर का संशोधन है ना, इसने असल में तीन जगह चेंज किया,
एक तो आर्टिकल 21 है हमारे मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट में जोड़ा, आर्टिकल 45 डीपीएस में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ चेंजेस करे, और 51A में 11th ड्यूटी जो है हमारे मूल कर्तव्यों में, मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा। तो इस प्रकार से जो हमारा 86 नंबर का एक्ट है उसने तीन जगह पे चेंजेस करे हैं, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है, यहाँ पे बच्चों के अधिकार की, यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी, और यहाँ पे पेरेंट्स की, उनके माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर मिलना चाहिए सबको? यहाँ पर जो आपको जो भी प्राथमिक स्तर स्तर पे जो लैंग्वेज जो होगी वो मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, ये हमारा 358A में लिखा गया है, और इसी के तहत 350B में एक अलग से स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी स्थापना की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर जो भी लैंग्वेज की माइनॉरिटीज है उनके लिए यहाँ पर अलग से प्रावधान दिया गया है, तो वो भी एक आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से क्या जो है लैंग्वेजेस के बारे में ही है, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है, आपसे कौन सा कथन सही पूछ रहा है। हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, देखो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। अंगिका को इंक्लूड कर दिया गया है, गलत है। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम में उनकी मातृ चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, गलत लिखा हुआ है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, हाँ बिल्कुल आज के समय में बोडो है, तो आंसर इसका डी लगा सकते हैं आप लोग, बाकी ए गलत है, बी गलत है, भारत की नेशनल लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है, लेकिन सेंटर ने इसको क्लैरिफाई करा है कि हमारी भारत की नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ नहीं है इस प्रकार से। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो हमारी पहली लैंग्वेज कमीशन बनी थी वो किसके अंडर, किस पर्सन के अंडर यहाँ पे बनाई गई थी, वो है बीजी के, 1955 उनके अंडर इसको बनाया गया था, जो कि भारत की पहली राजकीय भाषा आयोग जो है वो कैसी होनी चाहिए उसके तहत बनाया गया था। अगला, इनमें से कौन सी नहीं है, तो राजस्थानी नहीं है, गुजराती कश्मीरी डोगरी है, राजस्थानी लैंग्वेजेस को यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया। 8वीं में टोटल 22 है, आपको लर्न कैसे करना है, पहले 14 ऐड हुई, फिर एक ऐड हुई, फिर तीन ऐड हुई, फिर चार ऐड हुई, करके 22 बन गई। एक कौन सी ऐड हुई, सिंधी ऐड हुई। तीन कौन सी हुई ऐड, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, और ये चार कौन सी ऐड हुई है, लिख लीजिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चार ऐड हुई है, उसके अलावा ये सब है, और जो 14 है ऑलरेडी वो कौन कौन सी है, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, कश्मीरी, एसमीज, बंगाली, ग्यारह हो गई ना हमारी। अब एक्चुअली में तो 14 है, कौन सी मिस कर दी मैंने, मैंने आई थिंक इसमें तामिल एक रह गई, तामिल भी इसमें ऐड होगी, इंग्लिश इसमें नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, और इसके अलावा अब इसमें से उर्दू मिस हो गई एक, उर्दू भी याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी लैंग्वेजेस हैं, इनको याद रखिएगा, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, 22 हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। कब कब किसको ऐड की गई है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया है, ठीक है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, वही पूछ रहा है, 12, हमारी 8वीं अनुसूची में 12 लैंग्वेजेस हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में अपना इंक्लूड किया हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज को किसने किया हुआ है, उत्तराखंड में ने किया है, वैसे तो हिंदी है पर साथ ही साथ संस्कृत को भी यहाँ पर दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया हुआ है। अगला, इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में इनमें से कौन सी भाषा बोलने के वाली सर्वाधिक है, इन चारों में से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली, ये मैं कैसे बता रही हूँ, सेंसस 2011 के मुताबिक जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके तहत ये डेटा जो है मैं आपको लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। सेंसस 2011 कोई भी एग्जाम आता है उसमें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंसस जनगणना जो होती है ये बहुत जरूरी है लर्न करना, क्योंकि अभी हुई नहीं, ठीक है, अभी यहाँ पर अगली हुई नहीं है, लेकिन 2011 में हुई थी, और उसके उसी के तहत 2011 में सबसे पॉपुलेशन वाली स्टेट थी वो यहाँ पर जो है
यूपी थी और सबसे कम पॉपुलेशन वाली सिक्किम थी। उस समय 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया था, और उस समय सेंसस ने पूरा 640 डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया था, 6 लाख से ज्यादा गांव को कवर किया था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। और पूरी जो सेंसस की यहाँ पर रिपोर्ट है उसके हिसाब से लैंग्वेज में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है नॉर्थ में सबसे ज्यादा, और 57.1% लोगों को हिंदी आती है, जिसमें से सबसे ज्यादा 43% लोग बोलते भी हैं। ठीक है भाई, और अगर हम बात करें कि हिंदी के अलावा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो लिखी नहीं गई है हमारी 8th अनुसूची के अकॉर्डिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पे बोली जाती है बंगाली। बंगाली जो है भारत में 10% जो लोग हैं, 10.6% लोग यहाँ पर, नहीं नहीं टेन नहीं सॉरी 8%, 8% लोग बोलते हैं। उसके बाद आती है मराठी, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे आती है, फिर आती है मराठी, और फिर फिफ्थ नंबर पे आती है तेलुगु, और गुजराती जो है वो बाद में आती है, सिक्स नंबर पे आती है तमिल, और सेवेंथ नंबर पे आती है गुजराती। ठीक है, याद रखिएगा इनको भी इस तरीके से भी, मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि परसेंटेज लर्न कर लो, पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सीधा सीधा आपसे थोड़ा सा इसके बारे में अगर पूछ लेता है सवाल कभी, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको बताना है कि हमारी भारतीय की जो भाषाएं हैं उसमें मातृभाषा के रूप में कौन कौन सी यहाँ पे बोली जाती है। आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको बस उसके हिसाब से जो मैंने लिखवाया ना अभी वैसे आपको बताना है। सबसे पहले तो बंगाली आ गई, ठीक है, बंगाली के बाद कौन सी आनी चाहिए, तेलुगु, आपको डिसेंडिंग में लगाना है ना। ठीक है, कौन सा अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम के हिसाब से लगाना है, तो तेलुगु आ जाएगा, उसके बाद मराठी, और फिर तमिल। ठीक है, इसको आप अरेंज कर लीजिए। नहीं, मैंने गलत बता दिया, डिसेंडिंग में लगाना है ना इसको आपको, अवरोही क्रम में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है पहली बंगाली, बंगाली के बाद मराठी होती है, ठीक है, वन के बाद टू आएगा यहाँ पर, और फिर जो है यहाँ पर तेलुगु होती है थ्री, फिर आएगा ये 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ ये होगा, मुझे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो आपका जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका आंसर होगा। ये आपको अरेंज करने के लिए देखो पूछा गया है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अरेंजमेंट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन यहाँ पर जो है किसको अधिकार है कि वो पंचायत का पूरा सारा काम जो है वो देख सकते हैं, पंचायत की सारी सारी चीजें यहाँ पर, कितने लोग रहेंगे, कितना क्या रहेगा, वो सारी चीजों को यहाँ पे जांच सकते हैं, तो कौन होगा? ऑब्वियसली बात है राज्य का विधानमंडल ही देखेगा ना ये सारी चीजों को, पंचायत का कितना क्या कैसा होगा, क्योंकि राज्य में पंचायत कैसे काम करती है वो तो वहां का राज्य का जो विधानमंडल है वो ही बेहतर बेहतर तरीके से बता सकता है, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज किसके अंदर आता है, वो हमारी राज्य सूची में इंक्लूड किया गया है, पंचायत के बारे में पूरा का पूरा हमारी राज्य सूची में सारा कुछ लिखा गया है। मैं आपको थोड़ा सा पंचायत के बारे में बता दूं पूरा, मतलब जितना मैं आपको बता सकूं अभी की क्लास में जितना वो मैं आपको बता दूं। भारत के अंदर जो पंचायत है, पंचायत जो है आर्टिकल 40 में लिखा गया था गांधियन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत में, कि पंचायत होनी चाहिए, लेकिन असल में पंचायत जो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड की गई है, पहले ऐड नहीं की गई थी। ठीक है, तो अब पंचायत जो है ना, क्या इससे पहले कुछ नहीं था, इससे पहले भी था, आप ट्रिक से लर्न कर लो, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ बैक स्टीजी की फॉर्म में, कि पंचायत जो है वो असल में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आई है, लेकिन उससे पहले भी पंचायत का सिस्टम बहुत बार लोगों ने कहा है, वो अलग अलग कमीशन आई है, वो कमीशन का सीक्वेंस आपको बैक स्टीजी के फॉर्म में मैं बोलूंगी लर्न कर लो। 20 से कौन सी कमेटी आई थी, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने तीन तरीके से बताया था कि आप तीन तरीके से बनाओ, फिर आई थी अशोक मेहता कमेटी, जनता पार्टी लेकर के आई थी जब मोरारजी देसाई यहाँ पे बने थे, फिर आई है जीवी के राव कमेटी, फिर आई है एलएम सिंघवी, ये एलएम सिंघवी वही है जिन्होंने लोकपाल शब्द को भी यहाँ पर दिया है, मैंने आपको बताया था ना लोकपाल शब्द दिया है इन्होंने। उसके बाद टी से आता है थंगन और जी से आता है कटगिल, तो ये जो है हमारी 6 कमिटीज आती हैं जो पंचायत से जुड़ी हुई हैं, और इसके बाद फिर 73rd नंबर का संशोधन 1992 में पास किया गया, और फिर हमारी पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर दर्जा जो है वो दिया गया है, पूरी तरीके से यहाँ पर दर्जा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है वो इसी के तहत मिला है। ठीक है, याद हो जाएगा सब लोगों को ये चीज, तो ये आप याद रखिएगा, ये सारी पंचायत से जुड़ी हुई चीजें, पहली बार पंचायत जो है वो नागौर जिले में बनाई गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, पहली बार पंचायत का जो है वो हुआ, तो उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में बना दी गई थी, अब हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है पर उस समय आंध्र प्रदेश का हुआ करता था।
अगला, किसने यहाँ पर बोला कि पंचायती राज का बहुत जरूरी है, कि वो एक होनी चाहिए और उसका जरूरत काफी ज्यादा है, वो है महात्मा गांधी। पंचायत पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाले महात्मा गांधी ही थे, इसलिए उनका ही यहाँ पर आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन जो है वो यहाँ पर वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, मैंने आपको ये बताया था। पंचायत के लिए यहाँ पर कौन बनाएगा, पंचायत के लिए उस स्टेट का गवर्नर बनाएगा। जो पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन होगी, जिसे हम स्टेट का फाइनेंस कमीशन कहते हैं, वो आर्टिकल 243 I के तहत लिखी गई है और वो स्टेट का गवर्नर बनाएगा। अगर भारत का पूछेगा तो आपका प्रेसिडेंट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगर स्टेट का पूछेगा तो स्टेट गवर्नर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछना उनको बहुत ही ज्यादा कॉमनली जो है वो बता दिए जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा सभी लोग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध के बारे में बात करूं, तो इनको कब यहाँ पर भारत में लाया गया, 1993। क्यों 1993? क्योंकि आ तो पहले ही गया था, ठीक है, आ तो पहले ही गया था 1992 में, लेकिन इफेक्ट में आया था 24 अप्रैल, जिस दिन केशवनंद भारती का रिजल्ट आया था उसी समय यहाँ पर इनका भी रिजल्ट जो है वो घोषित किया गया, मतलब इनको भी इफेक्ट में लाया गया था, ठीक है, इफेक्ट में बाद में लाया गया था। तो इस प्रकार से भी आपसे एक सवाल किया जा सकता है, इसको भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, रिजर्वेशन के ऊपर बात कर रहा है कि भारत के अंदर जो पंचायत के प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष पदों के लिए महिलाएं जो है यहाँ पर वो एक स्पष्ट जो है वो लिखा गया, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से यहाँ पर जो आरक्षण है उसकी बात की गई है, बिल्कुल सही बात है, आरक्षण की बात उनके लिए की गई है। और यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आरक्षण के लिए लंबे समय से यहाँ पर मांग कर रही थी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले से ही मिल चुकी है ये चीज। जो है इसमें ए सही लिखा हुआ, पर जो आर है ना वो गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस में पंचायत में जो है वो 30% सीट को रिजर्व कर दिया गया, मतलब 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई है, वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि 73rd में ही पंचायत आई थी। और जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, उसमें आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 O तक ऐड किया गया है, और ये जो है उसके अंदर आर्टिकल 243 D में लिखा गया कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट का रिजर्वेशन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अगला, रिजर्वेशन कहाँ पर है, मतलब किस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, वो है देखो नॉर्थ ईस्ट का है ना, जो अरुणाचल प्रदेश, वहां पे नहीं, बाकी आसाम और उत्तर प्रदेश, बाकी सब जगह पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, दार्जिलिंग, मणिपुर, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, रिजर्वेशन का मामला वहां पे थोड़ा सा नहीं है। अगला, आर्टिकल 40 जो है यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहा है, अभी बताया था ना ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में, क्यों, क्योंकि आर्टिकल ये जो है वो गांधीवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, गांधीयन प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, गांधीवादी सिद्धांत, इस पे भी सवाल बन सकता है। तो अगर मैं एक लाइन लिख दू, मैं अगर इंग्लिश में एक लाइन लिख दू कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 गेव प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 को जो प्रैक्टिकल शेप मिली है वो इसी संविधान संशोधन से मिली है, सही बात है, क्योंकि आर्टिकल 40 में राज्य के दिशा निर्देशक तत्व डीपीएसपी में केवल लिख करके बात छोड़ दी गई, असल में इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तो यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, तो प्रैक्टिकल शेप तो बाद में ही जाके मिली है, राइट।